नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आज आपके जीवन को सुमधुर बनाने का सीधा साधन लेकर के हाजिर हूं। आज आपके अपने जीवन में कैसे प्रेम और मधुर हो सकता है, संबंध आपका चल तो रहा है लेकिन बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, तो आज उसका सलूशन आपके सामने होगा। आपके अपने रिलेशन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं और कोई भी चीज सही तरीके से नहीं बन पा रही है। आपकी कई सालों की तपस्या फलीभूत होने में समस्या आ रही है, तो आज का दिन आपका है। आपके खूब झगड़े होते हैं अगर रिलेशन में, अगर आपके किसी के साथ बहुत विवाद हो रहे हैं तो आज का दिन आपका है। झगड़ा विवाद को पूरी तरह से संतुलित करने का साधन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। झगड़ा वो किसी के साथ भी हो, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारी मम्मी के साथ, तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ, तुम्हारे दोस्त के साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ, तुम्हारे पति के साथ, तुम्हारे लवर के साथ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी, जहां पर भी झगड़ा है और वो झगड़ा अगर तगड़ा है तो आज का समाधान आपके लिए है। झगड़ा विवाद एक्चुअली क्रोध का एक कारण है। झगड़ा तगड़ा तब होता है जब आपको ये पता नहीं चलता कि झगड़े में एक्चुअली गलती किसकी है। हर किसी को लगता है गलती सामने वाले की है, जबकि सही तरीका यह है कि जब हम कैसे किसी के सामने एक उंगली उठाते हैं तो ये तीन बची हुई उंगली हमारी तरफ होती है। तो खैर, ये फिलॉसफी हम फिर कभी बात करेंगे, हम फिर कभी सिखाएंगे कि आपकी भी अपनी गलतियां होती हैं, आपकी अपनी गलती की वजह से भी कभी कभी गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से झगड़े बढ़ जाते हैं। पर झगड़ा हो गया है तो कैसे ठीक करें, कैसे झगड़ों को शांत करें, कैसे झगड़े ना हो, ऐसा कुछ संसाधन बनाएं आपको क्रोध ना आए, आपको गुस्सा ना आए, ऐसा क्या करें। आज एक ऐसी मुद्रा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, आज एक ऐसे तरीके के बारे में आपको बताने वाले हैं जिससे आपके अपने जीवन में एक अलग लाभ प्रारंभ हो जाएगा। आज हम कुछ ऐसा आपको सिखाने वाले हैं जिससे आपके अपने जीवन में प्रेम तो बढ़ेगा ही, लव तो बढ़ेगा ही, रिलेशनशिप तो अच्छा होगा ही, झगड़े समाप्त हो जाएंगे, विवाद समाप्त हो जाएंगे, आपस की तूतू में समाप्त हो जाएगी। झगड़े तूतू में जो होते हैं ना, उसके बड़े सारे कारण हैं। एक्चुअली शनि मंगल राहु और बृहस्पति के संसर्ग से ऐसा होता है। आपके अपने हाथों में अगर बहुत बहुत सूखापन होता है, बहुत सूखता है अगर आपका हाथ, आपका गला, आपका शरीर, तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं कि झगड़े की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। आपका रिलेशन हमेशा झगड़ों की वजह से खराब हो जाता है। अगर आपका रिलेशन अगर हर बार दिक्कत करता है, झगड़ों की वजह से, विवाद की वजह से समाप्त होता है, विवादों की वजह से आपके रिलेशंस में हमेशा दिक्कत आती है, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं जिससे आपका झगड़ा नहीं हो जाता हो, तो सावधान, ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। इससे आपके अपने जीवन में एकाकीपन बढ़ेगा, इससे आपके जीवन में असंतुलन बढ़ेगा, इससे आपके जीवन में असंतोष बढ़ेगा, इससे आपके जीवन में अविश्वास बढ़ेगा, इससे आपके जीवन में प्यार घटेगा, इससे आपके जीवन में आप नहीं रहेंगे, आपकी निजता समाप्त हो जाएगी, आपकी सहजता समाप्त हो जाएगी और आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो पहचान है, आपका जो निजी धरातल व्यवस्था है, वो टगमगा जाएगी। तो सावधान हो जाओ। आज तुम बच सकते हो, तुम ठीक हो सकते हो, तुम बेहतर हो सकते हो, इन सारी की सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है, करना तो बहुत छोटा सा काम है। आज मैं हाजिर हूं अनार के दानों का उपाय लेकर के। अनार वैसे तो हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, वैसे तो दिल के लिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कि दिल की चीजों के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने के लिए अनार बहुत बढ़िया रहता है, ब्लड के लेवल को अच्छा रखने के लिए, ब्लड को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे वो हार्ट के साथ साथ तुम्हारे रिलेशनशिप वाले हार्ट में भी उसका फर्क पड़ेगा, तुम्हारे गुस्से पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारे झगड़ों पर इसका सीधा प्रभाव आप स्वयं डाल सकते हो। अब आपको करना यह है कि एक मुद्रा बता रहा हूं, इस मुद्रा से सूर्य नमस्कार करना है रोज। ये मुद्रा थोड़ी सी स्पेशल है, लेकिन इस मुद्रा को अगर आप करेंगे तो आप सच मानिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये मुद्रा, ये दो उंगली बीच की, देखो आपके चार उंगलियां हैं सामने, अंगूठा अलग, अंगूठा अलग है, ये चार उंगलियां हैं सामने, इन चार में से बिल्कुल बीचों बीच वाली दो उंगलियां आपको अंदर फोल्ड कर लेनी है और हाथ एक दूसरे की ओर ऐसे रखना है। और ऐसे रखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी छोटी उंगली फर्स्ट उंगली के ऊपर और दूसरी फर्स्ट उंगली छोटी उंगली के ऊपर, जैसे मैंने रखा है, अगर आप देख पा रहे हो, समझ पाए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए, और ये दोनों उंगलियां अंदर की ओर है। अब करना ये है
कि लेफ्ट हाथ की दो उंगलियां जो आपने मोड़ के रखी हैं उसको फर्स्ट राइट हैंड के फर्स्ट उंगली के ऊपर टेढ़ा करके अंगूठे की तरफ देना है और अंगूठे से पकड़ लेना है, और ऐसा ही काम आपको इधर वाली उंगली के साथ भी करना है। तो ये बीच का छेद बन जाएगा, इससे रोज आपको सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य को इससे देखना है, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और क्रोध समाप्त होगा, पहला उपाय। दूसरा, रात्रि में सोते समय हाथ को एक दूसरे के सामने ऐसे ले जाओ इस तरफ और आपस में बांध दो। बांधने के बाद उंगलियों को आपस में पकड़ो और पूरा ऐसे घुमा दो अंदर की ओर। ये दो उंगलियां ओपन करो और इससे अपने आंखों में प्रणाम करना, दो तीन बार ट्राई करो, हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी है, सब हो सकता है, सब संभव है। अब आपको करना यह है कि आपको इस प्रकार से दिल बना करके अनार के दाने लेकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है। यह हर सोमवार के सोमवार करना है, और कोशिश करो अगर आपके घर में भी आप कर सके तो कोई बुराई नहीं है, शिवलिंग के ऊपर किया जा सकता है। तीन बार चढ़ाइए दिल बना करके, पूरा दिल बनाइए और अनार के दाने भर करके भगवान शिव पे चढ़ाइए, और उसी को उठा करके उसका जूस निकाल के उसको या कैसे भी प्रसाद के रूप में आप स्वयं ग्रहण करिए। जो भी ऐसा बार बार करता है उसके जीवन से क्रोध समाप्त होता है, एंजाइटी समाप्त होती है, और उसका किसी भी तरह से किसी के साथ झगड़ा नहीं होता। ये तीनों के तीनों उपाय आपको खूब करना है, और इसके साथ साथ खूब पानी पीजिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, प्रयत्न करिएगा कि आप खूब खूब खुश रहें, खूब प्रसन्न रहें, अपना खूब सारा ध्यान रखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उपाय सल्यूशन काम तब करते हैं जब आपके जीवन में गुरु का आगाज होता है, गुरु की कृपा होती है। हम रोज हर दिन कुछ न कुछ आपके लिए इसलिए स्पेशल ला कर लेकर के आते हैं ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके, आपके अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई समस्या न रह सके। मैं मानता हूँ कि मैं हर किसी से बात नहीं कर पा रहा, उसका बड़ा कारण है, आप सोचो 24 घंटे में 24 घंटे ही होते हैं सबके पास, 24 को 25 नहीं कर सकते। 24 घंटे अगर मैं कोई भी काम ना करूं, सिर्फ आपसे बात करूं, सिर्फ और सिर्फ बात, ना खाना खाना, ना सोना, ना कोई भी निजी अपने पर्सनल काम ना करूं, इवन बाथरूम वॉशरूम नहाना धोना भी ना करूं, तो भी 24 घंटे ही हैं। और उन 24 घंटे में अगर मैं सिर्फ 10-10 मिनट देकर के बात करूं तो भी मुश्किल से 100-125 लोगों से ही बात हो सकती है एक 24 घंटे में, और आप दसियों हजार लोग हो, लाखों लोग हो सामने, एक दिन में कैसे पॉसिबल है सबसे बात कर पाना। हर किसी को लगता है मेरी समस्या बहुत बड़ी है, उसी की वजह से कुछ संसाधन कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं, उसका प्लीज पालन करें। आप सबको संभालना है, कोई हमारा स्टाफ नहीं है, तुम्हारा स्टाफ है, वो तुम्हारी लोग हैं, तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारा संसाधन है, तुमको संभालना है सब कुछ, कोई और क्यों संभाले, तुम संभालो ना, हमारी चीज है, तुम भी तो हमारे हो। कोशिश करो इस व्यवस्था को बेहतर रखने का, और हाँ, किसी भी तरह से किसी भी अकाउंट में मनी तब प्रेषित करना, धन तब डालना जब आपको उसमें कल्प वृक्ष फाउंडेशन लिखा दिखाई पड़े। हमारे संस्थान का नाम है कल्प वृक्ष फाउंडेशन। कल्प वृक्ष क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष ही ऐसा वृक्ष है दुनिया का जिसके नीचे खड़े होकर के जो मांगो वो मिल जाता है, तो हमारे संस्थान का नाम भी कल्प वृक्ष है जिसके नीचे खड़े होकर जो मांगो वो मिल जाता है। तो कल्प वृक्ष फाउंडेशन दिखे तभी आप उसमें अमाउंट डालें, वरना किसी में भी अमाउंट नहीं डालिएगा। और जो नंबर नीचे फ्लैश होता है इस नंबर को छोड़ के किसी नंबर पे बात मत करिएगा। इस नंबर पे बात करने के बाद अगर कोई नंबर आपको दिया जाता है तो यस यू कैन, उसके पहले किसी भी अनदर नंबर पे नीचे चैटिंग पे आपको कोई नंबर दे दे या कुछ भी बोल दे कि गुरु जी का पर्सनल नंबर है या कुछ भी बोले, आप बिल्कुल यकीन मत करिएगा, मेरा कोई पर्सनल नंबर चैटिंग पे नहीं डालते। हम तभी अपना पर्सनल नंबर देते हैं जब आप इस नंबर पे कॉल करते हो नीचे जो फ्लैश हो रहा है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपना खूब ख्याल रखिए, खूब अच्छे से रहिए, भगवान आपकी मदद करें। नमः शिवाय।